नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से अपने चैनल पर्सनल एक्सपीरियंस सुनो में। आज बात करने जा रहा हूँ फ़ोन स्पेस की। आईफोन जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, ज़्यादातर आता है तीन वेरिएंट्स में, 64GB, 128GB एंड 256GB। प्राइसेस में काफ़ी वेरिएंट्स आता है 64GB, 128GB और 256GB का। अगर मैं बात करता हूँ प्राइसेस की इन स्पेसिफिक, तो कम से कम 10,000 का डिफरेंस आता है अगर आप 64GB से 128 पे स्विच करते हैं, और अगर आप 128 से 256 स्विच करते हैं तो हर एडिशनल स्पेस के लिए आपको देना पड़ता है 10,000 रुपये। डे इन डे आउट ऐसी काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे अपनी फ़ोन की स्पेस को बचा के रख सकते हैं। आज बात करने जा रहा हूँ दो तीन ऐसी ही चीज़ों की जिससे आप अपने फ़ोन की स्पेस को बरकरार रख सकते हैं। तो पहली चीज़ इसमें आती है, पहले बात कर लेते हैं गूगल फ़ोटोज़ की। जी हाँ, ये है गूगल फ़ोटोज़। गूगल फ़ोटोज़ आपको फैसिलिटी देता है कि अगर आप इसको लो रेजोल्यूशन में सेव करते हैं तो आप इसमें अनलिमिटेड फ़ोटोज़ और वीडियोस को सेव करके रख सकते हैं। सो मैं आपको सलाह ये दूंगा कि अगर आप हैं आईफोन यूज़र तो आपके फ़ोन में गूगल फ़ोटोज़ का होना बहुत ज़रूरी है। ये रहा गूगल फ़ोटोज़, और गूगल फ़ोटोज़ में आपके सारे फ़ोटोज़ ऑटोमेटिकली अपलोड होते जाते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि गूगल फ़ोटोज़ की आपकी जो सेटिंग है, उस सेटिंग को आपको सेट करना है कि जैसे ही आप अपने वाईफाई पर आते हैं आपके फ़ोटोज़ अपलोड होना स्टार्ट हो जाएं। तो होगा ये कि जब भी आप कोई फ़ोटोज़ खींचेंगे या कोई वीडियोस बनाएंगे, आपके सारे ही वीडियोस और सारे ही फ़ोटोज़ ऑटो बैकअप होते चले जाएंगे, और उससे होगा ये कि आपके फ़ोन की स्पेस हो जाएगी फ्री। करना आपको ये है कि जैसे ही आपके फ़ोटोज़ अपलोड होते हैं, ये आपको एक मैसेज देता है, और मैसेज ये होता है, डू यू वॉन्ट टू फ्री अप स्पेस ऑन योर फ़ोन। इसका मतलब ये है, जो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आपने बैकअप ले लिए हैं, क्या आप उनको डिलीट करना चाहते हैं? आपको क्लिक करना है यस, और आपके फ़ोटोज़ हो जाएंगे डिलीट। सो ये हो गई एक चीज़ जिससे आपके फ़ोन में स्पेस रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरी चीज़ की। जाहिर सी बात है दोस्तों, आप सभी व्हाट्सएप यूज़ करते होंगे, और व्हाट्सएप कम्युनिकेशन का एक प्राइमरी मोड बन चुका है आज कॉल के बाद। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके WhatsApp में, चलिए मैं आपको दिखाता हूं पहले आईफोन की स्टोरेज। मैं यूज़ कर रहा हूं आईफोन 11, 128GB। आ जाते हैं आईफोन स्टोरेज में, और यहां दिखा रहा है 93GB। और अगर मैं WhatsApp पे आता हूं तो WhatsApp दिखाता है 5.83GB स्पेस यूज्ड। पहला तरीका ये है कि अगर आप किसी भी ग्रुप के मेंबर हैं, तो आप उस ग्रुप में भेजे गए और रिसीव किए गए सारे ही फ़ोटोज़ को डिलीट कर दीजिए, और आप थोड़ी स्पेस जनरेट कर पाएंगे। बट अगर आप बहुत सारे ग्रुप्स के मेंबर हैं तो क्या आप सारे ग्रुप्स की स्पेस को एक एक करके डिलीट कर सकते हैं? जी नहीं, ये काफ़ी टीडियस टास्क होगा। सो मैं आपको बताता हूँ एक इजी तरीका जिससे आप ये काम कर सकते हैं, और आप डिलीट कर पाएंगे सारे ही वो फॉरवर्डेड मैसेजेस जो एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं आपके फ़ोन में। और मैंने जैसा कि अभी आपको दिखाया कि मेरे फ़ोन में 5.53GB स्पेस ले रहा है, और करंट स्पेस दिखा रहा है 92.18GB। मैं आ चुका हूँ WhatsApp में और क्लिक कर रहा हूँ स्टोरेज एंड डेटा पे। स्टोरेज एंड डेटा पे आने के बाद मुझे पहला ऑप्शन आता है मैनेज स्टोरेज का। मैनेज स्टोरेज में आने के बाद मुझे यहाँ पर दिखा रहा है 5.25GB, ओके लेट मी करेक्ट, 5.25GB ऑफ स्पेस जो कि एक्वायर की हुई है। यहाँ मुझे फाइल्स दिखा रहा है आइटम्स लार्जर देन 5MB, और यहाँ मुझे दिखा रहा है जो स्पेस ले रहा है 5.24GB, और नीचे दिखा रहा है फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स। ये वो मैसेजेस दिखा रहा है जिसको एक नहीं कई बार फॉरवर्ड किया गया है, और स्पेस ले रहे हैं 1.35GB की। तो पहले इस पर ही क्लिक करते हैं और देखते हैं यहाँ कौन से मैसेजेस हैं। और ये मैसेजेस काफ़ी पुराने लग रहे हैं, और मुझे ध्यान आ रहा है कि सब वही मैसेजेस होते हैं जो WhatsApp से हम लोगों के पास आते हैं और हम एक दूसरे को फॉरवर्ड करते जाते हैं। तो मैं करता हूँ सेलेक्ट, और मैं इन सारे ही मैसेज को करता हूँ सेलेक्ट ऑल, और सारे ही मैसेजेस को हम करेंगे डिलीट। तो हमने सेलेक्ट ऑल कर लिया। एक बार नज़र डाल लीजिए, कोई चीज़ ऐसी तो नहीं जो आप रखना चाहते हैं? अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, करते हैं क्लिक डिलीट पे। इट सेज डिलीट आइटम्स टू फ्री अप स्पेस, डिलीट एनी कॉपीज ऑफ दीज आइटम्स फ्रॉम योर व्हाट्सएप मीडिया, डिलीटेड आइटम्स में स्टिल बी सेव्ड इन योर कैमरा रोल। सो अगर ये आपके कैमरा रोल में सेव्ड है तो वो कॉपी रहेगी, लेकिन अगर आपने ये व्हाट्सएप पे अपने चार दोस्तों को भेजा है तो चारों ही कॉपी एक साथ डिलीट हो जाएंगी। आप इस डिफरेंस को समझ लीजिए। अगर आपने इसमें से किसी भी इमेज को जो कि लोकली सेव करी गई है वो डिलीट नहीं होगी, लेकिन अगर आपने वही मैसेज अपने चार दोस्तों, आठ दोस्तों को भेजा है तो सारी ही कॉपीज एक बार में डिलीट हो जाएंगी। तो हम क्लिक करेंगे डिलीट आइटम्स एंड एनी कॉपीज पर, और देखते हैं
ये हो गए डिलीट। अब मैं नज़र डालता हूँ अपने डिलीटेड आइटम्स में, क्योंकि जब तक ये मेरे डिलीटेड आइटम्स रिमूव नहीं होंगे तब तक नहीं होगा स्पेस फ्री। और हम आते हैं डिलीटेड, रिसेंटली डिलीटेड। तो अब हम नज़र डालते हैं अपनी आईफोन स्टोरेज पे, जनरल आईफोन स्टोरेज। देखिए हमारी स्पेस 92.5 GB से हो चुकी है 91.8 GB, जो कि डिलीट किया है अभी हमने 1.53 GB वाला एक फोल्डर। सो होप ये आपको हेल्प करेगा अपने फ़ोन में कुछ स्पेस बनाने के लिए। और अगर आपको डिलीट करने हैं और ज़्यादा मैसेजेस आपके व्हाट्सएप से और फ्री अप करनी है ज़्यादा स्पेस, तो आप दोबारा आ जाइए व्हाट्सएप में, आइए स्टोरेज एंड डेटा, आइए मैनेज स्टोरेज पे। अब हमारे पास केवल वाली फाइल्स रह जाती हैं जो स्पेस लेती हैं लार्जर देन 5 MB। जो भी इमेजेस आपको डिलीट करनी है आप उनको पिक एंड चूज कीजिए और आप उनको डिलीट कर दीजिए। और जी हाँ, ये इमेजेस आपके फ़ोन के डिलीट आइटम्स में नहीं जाएंगी, ये हो जाएंगी डायरेक्टली रिमूव। सो आप एक बार नज़र ज़रूर डाल लीजिए कहीं इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो आप रखना चाहते हैं, आप डिलीट नहीं करना चाहते। तो मैं भी सेलेक्टिव चूज़ कर रहा हूँ, जो मुझे परमानेंटली डिलीट करनी है और जो मुझे रखनी है उनको मैं छोड़ता जा रहा हूँ, जो मुझे डिलीट करनी है उनको मैं परमानेंटली डिलीट करता जा रहा हूँ। सो ऐसे मैं कर देता हूँ इनको डिलीट। ये हो गए डिलीट, मैं आपको केवल कुछ ही डिलीट करके दिखा रहा हूँ। और अब देखते हैं कि फ़ोन की स्पेस पर कितना फ़र्क पड़ता है। देख लीजिए, मैंने ऑलमोस्ट 1 GB और डिलीट कर दिया और मेरे फ़ोन की स्पेस आ गई है 90.4 GB। सो होप आप ये समझ गए होंगे, ये टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप के थ्रू मैक्सिमम स्पेस फ्री करने के लिए अपने फ़ोन में, जो कि एक बहुत ही ईजी मेथड है। इसमें आपको ग्रुप बाय ग्रुप या पर्सन बाय पर्सन जाकर फाइल्स डिलीट नहीं करनी पड़ेंगी। ये टेक्निक आपका एक ही बार में सारे के सारे कॉपीज़ को, उन इमेजेस की डिलीट कर देगा, वीडियोज़ को, फ़ोटोज़ को, और फ्री करेगा आपके फ़ोन में ज़्यादा स्पेस। साथ ही आप यूज़ कर सकते हैं गूगल फोटोज़, जो आपके फ़ोन में रखेंगी मैक्सिमम स्पेस। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक छोटी सी टिप या ट्रिक पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने उन आईफोन यूज़र्स के साथ, दोस्तों के साथ, जो परेशान रहते हैं 64 GB का 128 GB का फ़ोन लेकर, या शौकीन है ज़्यादा फ़ोटोज़ और वीडियोज़ क्लिक करने के बट परेशान रहते हैं स्टोरेज को लेकर, क्योंकि जाहिर सी बात है फ़ोटोज़ काफ़ी स्पेस लेते हैं और वीडियोज़ काफ़ी स्पेस लेते हैं। सो प्लीज़ उनका शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए। जय हिंद।